आई थिंक फैशन को लेकर कुछ अलग करना चाहती थी, इन्जॉय करना चाहती थी. एंड ऑफ लेट आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ वॉन्टिंग टू वेयर थिंग्स दैट आर आउटलैंडिश, थिंग्स दैट हैव अ लॉट ऑफ कलर. एंड या दैट्स इट, आई एम हैविंग फन. नो कबीर थॉट ऑफ मी फॉर द फिल्म. इट्स अ वेरी स्मॉल रोल बट अ वेरी स्पेशल रोल बिकॉज आई फील लाइक the role of a spouse or family is not always given enough credit. When you look at athletes and when they win and they perform at such an international on an international stage and platform, or aise unchaiyon tak jab pahunchte hain. Good evening. To ye hai Sai Manjrekar. दबंग, यस. ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग 3 में, इनके फादर दबंग 1 में थे और बेटी हैं दबंग 3 में. बहुत अच्छा है, घर के बहुत ही नज़दीक है, पास है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो बहुत दूर उड़ के जाना पड़ रहा था आईफा में परफॉर्म करने के लिए. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट इट्स होम कमिंग और 20 ईयर्स है आईफा का, सो इट्स अ वेरी वेरी बिग डील. So congratulations to the whole IFA team, Andre, Viraf, everyone. और actually बहुत खुशी की बात है कि 20th year में होम कमिंग पे हम मुंबई आए हैं. इट्स रेनिंग बट आई होप इट वॉज नॉट रेनिंग. हम लोग वैसे सब गाउन पकड़ के चल रहे हैं बट यहाँ पे शेड है तो ठीक है. बट आई सॉ सम पीपल वॉकिंग अराउंड इन द रेन एंड इतना बड़ा प्रोडक्शन होता है टू यू नो गेट एन अवार्ड फंक्शन टुगेदर, सो आई जस्ट विश इट वाज़न्ट रेनिंग. बट एनीवे देखिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ संजय लीला बंसाली, ऑफकोर्स वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ सलमान इज वेल. मेरा मानना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाते हैं विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. वैसे कहते हैं अगर भगवान को हंसाना हो तो उनको अपने प्लान्स बता दो. प्लान्स नेवर रियली गो एज पर प्लान बट I can give it to you in writing that I'm going to work with Sanjay Leela Bhansali very soon. Thank you so much. Thank you. Hopefully with फर्स्ट टाइम मैं आईफा पे आ रहा हूँ और बहुत मज़े की बात यह है कि ये इंडिया में हो रहा है और ऊपर से मुंबई में हो रहा है. कल कल की बारिश आ रही है और जो लोग आईफा में नहीं आ पाते रहे, आईफा जब बाहर होता था, तो उन लोगों को भी मिलने का मौका मिल रहा है. इट्स अमेजिंग. मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था ज़्यादा गाने बनाने में, अब वो सारे गाने बना लिए, दो दर्जन गाने बना लिए, अब वो आ रहे, वो शूट कर रहे हैं और आप सबका प्यार चाहिए और उनको सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी, दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए. इंग्लिश में बोल दो, व्हाट टू डू. Well, my performance just got over and I can tell you I had such an incredible time on stage. I mean, I love performing on the IFA stage. It's always magical, but this time it was even more fun. Shamak's dancers give you so much energy and the audience was amazing. I mean, they were really lively. They were just giving you so much support and I'm very happy with the way my act went. Now, I've just changed, come for the red carpet and I'm going to go back and sit in the audience and now I'm going to relax. I'm very excited. I'm the first time I've been performing on IFA stage. So I'm very very excited and also as a participant ki jinko main aaj tak dekhta aaya hu cinema mein, unke samne perform karna, unke sath stage share karna mere liye bahut badi baat hai. Bahut achhi validation hoti hai, acha lagta hai ki tumhe awards milte hain and aap itni mehnat karte ho, kaam karte ho, logo ka pyar sabse bada important award hota hai, par uske baad jab aapko trophy milti hai to ghar pe rakhne mein acha lagta hai ki yaar kuch mehnat ki thi jiska ek reward mila. Well,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि दुनिया में कहीं भी आप कितनी भी बार चले जाओ बट इट्स ऑलवेज स्पेशल टू कम होम. तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि आईफा इंडिया वापस आ गया है. एंड उससे भी ज़्यादा आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट एक्सपेक्टिंग आई एम एक्साइटेड टू सी सारा'स परफॉर्मेंस क्योंकि मैंने सारा को पहले परफॉर्म करते हुए कभी नहीं देखा है. सो आई एम एक्साइटेड टू सी हर परफॉर्म. एक्साइटिंग आई एम एक्साइटेड आई एम नर्वस आई एम वेटिंग इट्स माय फर्स्ट टाइम ऑन आईफा सो आई होप आई डू अ डिसेंट जॉब. जी अभी तो इतनी टिप्स हो चुकी हैं, एक साल से आ गया हूँ, डेब्यू हो गया है तो अब टिप्स मिलना बंद हो गई हैं. आईफा की खास बात यही है कि जो लोग इकट्ठा नहीं दिखते वो साथ में दिख जाते हैं, लेकिन हम लोग तो हमेशा इकट्ठा होते हैं. बट आई एम सो हैप्पी दैट 20 साल बाद आईफा इंडिया आ रहा है और आईफा की जर्नी जो लंदन से शुरू हुई थी 20 साल बाद आज मुंबई में आई है. आगे आई एम श्योर द जर्नी विल बी ग्लोरियस बट दिस 20 इयर्स हैव बीन फैबुलस. वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इलस्ट्रियस जर्नी एंड आई एम हैप्पी कि इसमें से 6 साल मैंने आईफा होस्ट किया था. सो आई हैव अ ग्रेट कनेक्शन टू दिस इवेंट. Very excited, very very excited to see Ritesh. It seems very very new and I can't wait to see it. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि एक विलन के बाद फिर से विलन की भूमिका कर रहा हूँ और थोड़ा वर्टिकली चैलेंज हूँ, 3 फुट का हूँ. So that's exciting.